हेलो एवरीवन, देखिए आज का जो वीडियो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि बिहार स्पेशल के बारे में हमने 5-6 वीडियो देख लिया है, लेकिन सिर्फ अगर क्वेश्चन ही करेंगे तो फिर कैसे होगा? एग्ज़ाम में तो हमें बनाना है, सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव, तो उसके लिए जो हम पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट है या नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए आज के वीडियो में जितने हमने अभी 5-6 वीडियो कवर किया है बिहार के लिए, मगध हो गया, महाजनपद, मगध और मौर्य, तो उस पूरे टॉपिक से अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं 20 साल में, पिछले 20 साल में बीपीएससी में, वो क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ताकि ये कॉन्फिडेंस मिले आपको कि जो आप पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो और उसी को और रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये पूरा किस पे बेस्ड है? महाजनपद, मगध और मौर्य। और मौर्य में मैंने वो पार्ट छोड़ा है अभी जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पूरे 20 साल के क्वेश्चन सही है। ठीक है, अगर हम बात करें 2001 क्वेश्चन, 2001 का, तो 2001 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इन टॉपिक से, हम वो देखते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन से कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था। तो देखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्विकली कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा, ताकि यहीं पे आपका वर्ड एक बार और रिविजन हो जाए। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था याद कीजिए, आपको मैंने बताया था कि हरियाणा के डायनेस्टी में क्या था, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो है वो 483 BC में, जब बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई थी, तो उसी मृत्यु होने के कारण 483 BC में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किया था। और वो कहाँ हुआ था याद रखिएगा, पहला हुआ था वो राजगीर में हुआ था, गंगा के इस पार, जिसे बोलते हैं ग्रीव राजा। क्या बोलते हैं? ग्रीव राजा, याद रखिएगा। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? राजगीर में। तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ। फिर देखिए, विच डायनेस्टी केम आफ्टर मौर्याज, मौर्य के बाद कौन सा डायनेस्टी आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आगे देखेंगे। लेकिन इसमें ना क्रोनोलॉजी ऑफ किंगडम्स अगर आप समझ गए ना, तो ये क्वेश्चंस तो चुटकी में बन जाते हैं। इसके बाद सुंगा आज आए थे, ठीक है ना, तो पूछे बोलते सुंगा जो है ना, सुंग डायनेस्टी, तो मौर्य के बाद क्या आया था, सुंग डायनेस्टी। ये बस अभी के लिए बस याद रखिए आप क्रोनोलॉजी। ठीक है, फिर हमारा है विच किंग वॉज कंटेम्प्रोरी ऑफ अलेक्जेंडर, कौन सा किंग जो है ना वो अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रोरी था। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ हैदरासपद कब हुआ था, 326 BC में हुआ था। किन के बीच हुआ था? अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदरासपद, जिसको हम कहते हैं झेलम नदी, या कहते हैं वितास्ता। तो बैटल ऑफ हैदरासपद या बैटल ऑफ वितास्ता, ये 326 BC में हुआ था। और उसी समय हमारे यहाँ कौन थे? धनानंद, याद रखिएगा धनानंद। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन सी बन गया आपका। ये सारा जो है ना, ये सारा का सारा वीडियो में कराया हुआ है, आप एक बार रिवाइज कीजिएगा। ये हुआ 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चंस। फिर हम बात करते हैं 2002 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2002 में क्वेश्चन से, इन विच सिटी बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द रीजन ऑफ अशोका, अशोका के समय में कौन से शहर में बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो याद कीजिए, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 250 BC में। और कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था पाटलिपुत्रा में। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल गंगा के इस पार, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल गंगा के इस पार वैशाली में, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल गंगा के इस पार यहाँ पाटलिपुत्रा में। तो अशोक के समय में कब हुआ था? 250 BC में। और वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। फिर हमारा आता है कि अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य डील्स विथ, अभी देखिए, अभी मैंने लिटरेरी सोर्स में आपको बताया था कि हमें महाजनपद और जनपद और मगध और मौर्य, इन सब के बारे में कुछ लिटरेरी सोर्स मिलते हैं और कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलते हैं, तो वो दोनों सोर्सेज क्या क्या थे, अगर वो वीडियो आप देखोगे तो ये इजली बन जाएगा। तो ये जो अर्थशास्त्र किताब है ना, ये कौटिल्य का, ये डील करता है पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, कि कैसे एक राजा अपने एम्पायर को रूल कर सकता है और क्या क्या उसके एक नियम होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डन है। फिर क्वेश्चन हमारा आता है 2004 में, 46 BPSC 2004 में पूछा हुआ है कि फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन 6th century BC, पहला रिपब्लिक दुनिया का कौन सा था। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था मगध में, ये उसमें जब हमारा महाजनपद पढ़ रहे थे, तो बिहार में तीन हमारे महाजनपद थे, बिहार में तीन महाजनपद कौन कौन थे, तो हमारा यहाँ पे था वाजी, यहाँ पे था अंग और यहाँ था मगध। तो ये वाजी दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक, वाजीज ऑफ या लिच्छवीज ऑफ वैशाली, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चंस भी डन हुआ हमारा। फिर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य प्रोमिनेंटली मेंशन्ड इन विच बुक, कौन से किताब में चंद्रगुप्त मौर्य प्रोमिनेंटली मेंशन्ड है।
तो याद रखिएगा, मौर्य एम्पायर का जो हमारे लिटरेरी सोर्स मिलते हैं तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है अर्थशास्त्र कौटिल्य का, दूसरा है मेगास्थनीज इंडिका, और तीसरा है हमारा मुद्ररक्षका विशाखदत्ता के द्वारा लिखा गया था। तो विशाखदत्ता के द्वारा जो लिखा गया था ना मुद्ररक्षका, उसमें प्रोमिनेंटली मेंशन है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और ये भी उसमें कहा गया है, क्या इनको इनको अलग नाम से बोला गया है, वृषाला या कुलहीना, वृषाला VRISHAL वृषाला या कुलहीना। तो ये क्वेश्चंस भी डन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बुक विच मेंशन एडमिनिस्ट्रेशन इन पाटलिपुत्र, कौन सा किताब है जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन इन पाटलिपुत्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था उसके बारे में कहता है। तो मैंने आपको बताया है कि मेगास्थनीज जो अम्बेसडर था किसका, सेल्यूकस निकेटर का, वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज में रह रहे थे, पाटलिपुत्र में ही रहा था, और पाटलिपुत्र के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने किसमें, इंडिका बुक में। तो ये बुक भी क्लियर है, ठीक है, इंडिका हो गया। विच बुक, तो इंडिका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, फिर से रिपीट किया क्वेश्चन ये वाला, तो वो कहाँ हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कब हुआ था, 250 BC। कौन था रूलर कौन था, वो थे हमारे अशोक, ठीक है। चेयरमैन भी होता है, लेकिन चेयरमैन याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई बात नहीं है। मुगली पुत्र टीसा थे, अलग अलग क्रोनोलॉजी में आप याद कर सकते हैं। तो ये भी हमारा हो गया। फिर क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज यूज इन अशोका इंस्क्रिप्शंस। तो याद रखिएगा, लैंग्वेज और एक हमारा होता है स्क्रिप्ट, दो चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको बताया है कि अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है ना, उसमें मेनली हम यूज़ किए हैं प्रकृत लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, प्रकृत लैंग्वेज। लेकिन स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो स्क्रिप्ट जो है वो अलग अलग, हमें अलग अलग रीजन में अलग अलग था, वो हम देखेंगे कैसे। देखिए, जो ईस्टर्न इलाका में हमारा मिला है ना स्क्रिप्ट, वो मेनली यूज हुआ है ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिला है, और जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाका में मिला है ना वो मिला है खरोजगी लैंग्वेज में मिला है, और जो वेस्टर्न इलाका में मिला है ना ये मिला है ग्रीक या एरामिक लैंग्वेज में, ठीक है। लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, अगर देखना चाहें तो याद रखिए, यहाँ पे इधर अगर इस लोकेशन में बात करेंगे ना तो कंधार हो गया, मनसेरा हो गया, शहबाजगरी हो गया, फिर कलसी हो गया, यहाँ गिरनार, सुपारा, जौगड़ा, यरागुडी, सारनाथ, सांची, सारनाथ, ये अलग अलग जगह हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका डन हुआ, कौन सा लैंग्वेज होता है इस्तेमाल, प्रकृत लैंग्वेज होता है इस्तेमाल। फिर हमारा है कि विच मौर्य रूलर कंकर डकन, कौन से मौर्य रूलर ने डकन को रूल किया था। तो एक चीज़ याद रखिए, कैसे हम याद करेंगे इसको, तो हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य आखिरी के दिनों में वो सालेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए थे, ठीक है ना। सालेखना क्या होता है कि जैनिज्म में एक प्रोसेस होता है जिसके तहत आप अन्न जल त्याग देते हैं, स्लो स्टार्वेशन होता है। तो चूंकि जैनिज्म, ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाए थे, तो जैन धर्म का एक पवित्र स्थान कौन सा है, श्रवण बेलगोला, वो कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है। तो कर्नाटका हमारा डेकन रीजन में ही आता है, तो ऐसे भी याद रखिएगा कि डेकन तक हमारे कौन से कंक्वेरिक राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ तक एम्पायर को पहुँचा दिए थे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन डन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी इनटू, मेगास्थनीज जो है इंडियन सोसाइटी को कितने रूपों में डिवाइड किया था। तो ये भी आपको पता है, मैंने वीडियो में बता रखा है कि मेगास्थनीज जिस समय वो पाटलिपुत्र में था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसने पूरे इंडिया में बताया कि 7 सिस्टम्स में बटे हुए थे, 7 कास्ट सिस्टम्स, फिलासफर्स, फार्मर्स, हर्डर, काउंसिलर्स, अलग अलग थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन डन हुआ, 7 कास्ट सिस्टम में डिवाइड था। लिस्ट ऑफ महाजनपदास मेंशन इन बुक। अब देखिए, महाजनपदास इसके बारे में मेंशन चलता है हमें कौन सा, अंगुत्तर निकाय एक बुक है, अंगुत्तर निकाय कौन सा है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट। इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें चलता है पता 16 महाजनपद के बारे में, और स्पेशली बिहार में 3 महाजनपद थे, ये भी हमें अंगुत्तर निकाय ही बताता है। तो याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं 47th BPSC 2005 में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, कि राइटर ऑफ मुद्ररक्षका, सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया, कभी विशाखदत्ता क्या लिखे थे ये पूछेगा, या कभी पूछेगा कि मुद्ररक्षका किसने लिखा था। तो विशाखदत्ता ने क्या लिखा था, राइटर ऑफ मुद्ररक्षका कौन है, इनके राइटर हैं विशाखदत्ता, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हुआ। फिर है फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। अब देखिए, आपको बताया था कि मगध एम्पायर को 4 डायनेस्टी आते हैं और पूरा धीरे धीरे करके बड़ा करते हैं, कौन कौन से थे, बृहद्रथ थे, फिर हरणक डायनेस्टी आया, फिर उसके वसिसुन आ गया, और फिर नंद डायनेस्टी आया। तो सबसे पहला डायनेस्टी कौन था मगध एम्पायर का, बृहद्रथ। तो बृहद्रथ ने राजगीर को अपना कैपिटल बनाया था, राजगीर को, याद रखिए, इसको बोलते हैं ग्रीव राजा। तो ये हमारा हो गया राजगीर, तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हुआ। फिर है विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर नंदाज,
नंद के बाद कौन से डायनेस्टी ने रूल किया था? तो हमें पता है कि नंद डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर थे वो कौन थे? धनानंद। और 322 BC में किनको हराया? किन चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। तो इनडायरेक्टली मौर्य वंश का स्थापना हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो नंद के पास कौन आए थे? हमारे आए थे मौर्याज। फिर है फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न पीरियड। देखिए, याद रखिएगा दो चीज़ कि तक्षशिला बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। कहाँ? मौर्य एम्पायर का तक्षशिला, ये है रावलपिंडी यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान में। ये तक्षशिला जो है एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था एजुकेशन का मौर्य काल में। लेकिन गुप्ता काल में जब आएंगे तो देखेंगे कि हमारा हो जाता है नालंदा। यहाँ पे है नालंदा, बिहार शरीफ, ठीक है, नालंदा हो जाएगा हमारे गुप्ताज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर। तो फिलहाल ये याद रखिए, मौर्याज में तक्षशिला जो है वो इम्पॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर था। तो हमारा ये क्वेश्चन भी डन हुआ। अब हम बात करते हैं कि 2008 BPSC में कौन सा आया था। 2008 में जो BPSC हुआ था, हाउ मेनी अधिकरणाज इन अर्थशास्त्र, तो मैंने आपको बताया है कि ये जो अर्थशास्त्र है वो 15 बुक्स में है, 15 books and 180 chapters, और ब्रोडली वो 3 कैटेगरी की बातें करता है, ठीक है ना। पॉलिटिकल लाइफ हो गया, वार एंड पीस कैसे होगा हमारा, वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, तो बेसिकली पॉलिटिकल लाइफ के बारे में कहता है वो। तो ये 15 किताबों में हमारा पूरा अर्थशास्त्र की बुक है। तो ये भी क्वेश्चन डन हुआ। फिर कहता है कि हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने फर्स्ट टाइम रॉक एडिक्ट को डिसाइफर किया था, और वो क्या था? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था, ठीक है। तो हु डिसाइफर ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने, और कब किया था? 1837 में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हुआ। अब कहता है कि लास्ट मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तो देखिए, बृहद्रथ ये जो है लास्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का। और अगर हम बात करें हिरण्यकश्यप डायनेस्टी का, क्योंकि हिरण्यकश्यप डायनेस्टी में 4 मेन रूलर थे हमारे, कौन कौन से? बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु, उदयन, और फिर लास्ट में आते हैं नागदशक का। तो नागदशक जो थे वो थे हमारे हिरण्यकश्यप डायनेस्टी के, और बृहद्रथ थे किसके? मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर थे। तो ये क्वेश्चन भी डन हुआ। फिर आता है हमारा 2011 BPSC में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है कि अर्ली कैपिटल ऑफ मगध, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि अर्ली कैपिटल ऑफ मगध क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि मगध एम्पायर में सबसे पहला डायनेस्टी कौन था? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ ने ग्रीव राजा या राजगीर को अपना पहला कैपिटल बनाया था। तो ये क्वेश्चन भी डन हुआ। फिर आता है नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु किस डायनेस्टी से आते थे? तो देखिए, अजातशत्रु क्या था? हिरण्यकश्यप डायनेस्टी, जिसको फाउंड किया था बिंबिसार ने, और बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने। अब बिंबिसार ने क्या किया था? अंग को जीता था, यह है अंग, यह है ना अंग, अंग महाजनपद, उसको जीता था। और अजातशत्रु आएंगे तो वो वैशाली, यह वज्जी है ना वज्जी, इसको जीत गए थे। इसलिए अजातशत्रु बिंबिसार दोनों मिला के इन दोनों को पूरा कब्जा कर लेते हैं, तो मगध पूरे बिहार में पूरा फैल जाता है, क्लियर है। तो अजातशत्रु कौन से डायनेस्टी से थे? वो थे हिरण्यकश्यप डायनेस्टी। तो ये क्वेश्चन भी डन हुआ हमारा। फिर क्वेश्चन आता है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया। देखिए, बुद्धिस्ट काउंसिल पूरा यह सब याद रखिए कहाँ कहाँ हुआ था। तो थर्ड पूछ रहा है, थर्ड कब हुआ था? अशोक के टाइम में। कब हुआ था? 250 BC में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। चेयरमैन कौन थे? तो मोगलीपुत्र टीसा। ये क्वेश्चन भी हमारा डन हुआ। अब आता है ऑथर ऑफ द बुक इंडिका, इंडिका बुक का ऑथर कौन सा है? तो देखिए, अभी मैंने बताया आपको पाटलिपुत्र में थे मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज कौन थे? सेलेकस निकेटर के एम्बेसडर। तो वो कहाँ थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे। तो ये बुक किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। क्वेश्चन डन हुआ। 2017 में कोई क्वेश्चन नहीं आया इन टॉपिक से। अगर हम बात करें 63rd 2018 में, तो 3 क्वेश्चन आए थे। पहला, मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, अभी मैंने फिर से बताया कि मेगास्थनीज जो एम्बेसडर थे वो सेलेकस निकेटर के थे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हुआ। फिर आता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ अशोकास धम्मा, अशोकास के धम्मा का सेंट्रल पॉइंट क्या था? तो वो था मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एक मोरल वैल्यूज होना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर में, एक रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। और देखिए, अशोका का धम्मा है ना, वो बुद्धिज्म से बिल्कुल अलग था। बुद्धिज्म वाज द रिलीजन ऑफ अशोका, बट धम्मा वाज हिज पर्सनल बिलीफ, जो कि वो दुनिया में फैलाना चाहता था कि एक मोरल, एक आदमी का मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन डन है। फिर आता है डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इन 7 कास्ट, भाई मॉडर्न सोसाइटी को 7 कास्ट में कौन से राइटर ने डिवाइड किया था? तो हमने फिर से पता है इस क्वेश्चन को घुमा के इधर पूछा है, तो किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था 7 कास्ट सिस्टम में, ठीक है। क्वेश्चन डन हुआ। 64 BPSC में क्वेश्चन नहीं आया था इस टॉपिक से, अभी एडमिनिस्ट्रेशन पास छोड़ दिया मैंने इसलिए।
बीपीएससी 2019 इसमें दो क्वेश्चन आया था। पहला कि नेम बाय विच अशोका इज मेंशनड इन इंस्क्रिप्शंस, किस नेम से अशोका के मेंशन है। तो अभी हम रॉक एडिक्ट नहीं देखे हैं, बताएंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए। अलग अलग रॉक एडिक्ट्स में अशोका के बारे में बोला गया है पियदसी, पियदसी या देवाम प्रिय पियदसी, ये सब मेंशन है। अब ये कहाँ मेंशन है, तो मास्की एक एडिक्ट है, यहाँ मास्की आंध्र प्रदेश में एक जगह है, तो वहाँ पे जो हमें रॉक एडिक्ट मिला है वहाँ पे पियदसी के बारे में मेंशन है। या फिर एक सिलोनिस बुक श्रीलंका में है महावंशा, इसमें ये मेंशन है देवम प्रिय पियदसी के बारे में, तो यहाँ से चलता है पता हमें। तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता अभी, लेकिन कोई बात नहीं है, बस जान जाइए ये चीज़, रॉक एडिक्ट हम देख लेंगे वो। फिर आता है कि विच स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब देखिए स्क्रिप्ट की बात हो रही है तो दो स्क्रिप्ट याद रखिए, ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड खरोजगी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी वो होता है जो हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, जो प्रेजेंट लिखते हैं ना लेफ्ट से राइट, वो होता है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो कि अशोका के जितने मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं ना 14 अलग अलग 10 लोकेशन से, तो ईस्टर्न पार्ट में जो मिले हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिले हैं, यानी कि इसमें राइट लेफ्ट से राइट लिखा गया है। और खरोजगी लिपि क्या होता है, तो ये हमारा राइट टू लेफ्ट पूछा है ना, तो ये आंसर क्या होगा, ये खरोजगी लिपि। ये खरोजगी लिपि कहाँ कहाँ यूज हुआ था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो हमें मिले ना रॉक एडिक्ट वहाँ पे। अब खरोजगी में क्या करते हैं हम, राइट से लेफ्ट, जैसे उर्दू भाषा हो गया तो हम राइट से लेफ्ट लिखते हैं, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हमारा डन हुआ। फिर आता है कि द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपद मगध। फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 16 महाजनपद था एक मगध, उनमें से एक था मगध, तो मगध का अर्लीस्ट कैपिटल कौन था या फर्स्ट कैपिटल कौन सा था, तो वो हमारा होगा ग्रीवराजा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपद मगध। तो इस तरीके से पूरे 20 साल का जो क्वेश्चन हमने कवर किया है, देखिए जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चंस भी बनना चाहिए। चलिए ये पार्ट हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, 2020 में जो क्वेश्चन पूछा था वो कंप्लीट हुआ। तो देखिए ये जो पूरा 20 साल का क्वेश्चन था ना, इससे हम ये बताना कि मेरी ये कोशिश है कि आप सिर्फ थ्योरी मत पढ़ो, क्वेश्चंस ही बनाओ, और क्वेश्चंस बनने चाहिए, जो आप पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चंस बनने चाहिए, अगर नहीं बन रहे तो दिक्कत है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो बताना, मैं इसका आंसर टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। और तब तक के लिए आप रिवाइज करिए, क्वेश्चंस कुछ डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगा, कल या परसों में आ जाएगा वीडियो मॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।